पा रहे हो, ठीक है। तो यही सारी चीजें मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दूंगा, इसके बाद मैं एक टेस्ट भी लूंगा आपको, सिर्फ ये सारे टॉपिक्स खत्म करने के लिए। मैं हाय गाइस, आई एम आकाश, यू आर वाचिंग आकाश टॉक्स। तो इस वीडियो में मैं आज आपके सामने क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए बात करने वाला हूँ। आपको बहुत सारी चीज बोलूंगी, कौन कौन चैप्टर्स, कौन कौन टॉपिक्स आपको समर वैकेशन के अंदर कंप्लीट कर देनी चाहिए। एंड यार मैं आपको कुछ चैप्टर्स एंड टॉपिक भी बोलूंगा। यार मेरे हाथ में यार ये मतलब कि मेरे हाथ में यार ये कॉपी है, सारे कुछ लिखा है, अगर आप देख पा रहे हो थोड़ा जूम इन करके तो मेरे ख्याल से देख पा रहे हो। तो मैं आपको सारे टॉपिक्स बोलूंगा, वैसे चैप्टर्स बोलूंगा कि इन चैप्टर्स में ये सारे टॉपिक्स तुमको समर वैकेशन के अंदर कंप्लीट कर देनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, जो लोग मैथ्स लिए हो। एंड उसके बाद मैं आप लोगों को एक टेस्ट भी लूंगा, मैं बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को एक टेस्ट भी लूंगा, सारे कुछ पेपर्स वगैरह रेडी करके आपको जैसे घर बैठ के टेस्ट देना पड़ेगा। एंड उसके बाद मैं उसका भी आंसर डिस्कस कर दूंगा एक वीडियो बना के, या फिर आइदर लाइव आऊंगा या फिर वीडियो के फॉर्मेट में आपको ये सारी चीज डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना अगर तुम एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो जेई मेंस में, जैसे कि तुम लोग यार आईसीएस में ऑलरेडी कर चुके हो। तो अगर तुम लोग करना चाहते हो जेई मेंस या फिर एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इट कैन बी डब्ल्यूजेई, इट कैन बी केआईआईटी, इट कैन बी वीआईटी, इट कैन बी एसआरएमजी, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम है जो कि यार आप लोग देंगे आफ्टर क्लास 12 फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो यार ये सारे जितने भी चैप्टर्स है ना यार, मेरे ख्याल से आप देख पा रहे हो, जो लोग चाहते हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कुछ टॉपिक्स का। मैं यार ये सारे मतलब कि यार मैं इतने सारे चैप्टर्स मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दूंगा, उधर से जाकर देख सकते हो। इधर यार इंस्टाग्राम का अकाउंट है, जाओ जाकर देख सकते हो, जो लोग नए हो वो लोग भी जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो यार फर्स्ट ईयर अभी सुनो, फर्स्ट ईयर मैं आपको कुछ ईजी चैप्टर्स दूंगा, एंड ईयर आपको स्टार्ट भी करना चाहिए कुछ ईजी चैप्टर्स, ठीक है। पहले यार अगर आप हार्ड चैप्टर से स्टार्ट करोगे यार क्लास 11 में तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। हालांकि मेरे को ये मालूम है कि आपको स्कूल में बहुत सारे चीजें हैं, मतलब कि स्कूल के सिलेबस को फॉलो करना है, आपका सामने हाफ ईयरली एग्जाम है, उसके बाद कुछ स्कूल में कुछ यूनिट टेस्ट वगैरह भी है, ठीक है। तो यार फर्स्ट स्टार्ट करो यार थोड़ा इजी चैप्टर से, जो टॉपिक्स थोड़ा इजी है, उसके बाद मैं थोड़ा हार्ड में आऊंगा, ठीक है। मैं आपको ज्यादा नहीं 4 से 5 चैप्टर दूंगा, एंड उसके अंदर मैं कुछ टॉपिक्स भी दूंगा। यार ये टॉपिक्स करो, इधर से जेई मेंस से क्वेश्चन आता है, इस साल भी आया है, मैंने भी मेरे टाइम में आया था, मैं भी किया था उधर से, मतलब क्या क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। तो 11 भी अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 12 भी करोगे, 11 से भी 11 एंड 12 मिला के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो सारे चीज होता है, ठीक है। तो यार पहले सुनो यार, मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बोला था कि भाई ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करो, तो आज मैं वही सेम चीज बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से आपको स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इधर से कौन कौन टॉपिक्स है, फर्स्ट टॉपिक है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये टॉपिक खत्म कर दो। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस एंड देयर ग्रुप आप लोग जानते हो। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस, मेरे ख्याल से आप देख पा रहे हो, मैं कैमरे के सामने एक कॉपी रख दिया हूं, आप देख पा रहे हो, जिन लोगों का स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो, आइदर इंस्टाग्राम में आ जाओ, इंस्टाग्राम में सारे चीज पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये चैप्टर्स थोड़ा इजी है क्लास मतलब के क्लास 11 के लिए, आप स्टार्टिंग कर रहे हो, थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करो। बहुत सारे लोग पूछा था कि भाई फॉर्मूला हमको प्रोवाइड करो, अगर तुम भी चाहते हो कि मैं फॉर्मूला प्रोवाइड करूं वो भी मैं कर सकता हूँ, सिर्फ आपको सिर्फ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे को लिख दो कि भैया हम लोगों को यार फॉर्मूलाज वगैरह भी प्रोवाइड कर दो, तो मैं उसके बाद अगर ज्यादा लोग कमेंट करता है तो उसके बाद मैं इंस्टाग्राम में उस सारे फॉर्मूलाज का पेज मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, राइट। तो इसके बाद ये सुनो, इसके बाद यार करो सीरीज एंड सिक्वेंस, सीरीज एंड सिक्वेंस यार देखो यार सीरीज एंड सिक्वेंस बहुत ही ईजी है। आप लोग जो लोग आईसीएसई बोर्ड से हो, मैं सीबीएसई के बाद में नहीं जानता हूँ, जो लोग सीबीएसई में हो मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, जो लोग आईएससी में हो मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, जो लोग स्टेट बोर्ड में हो मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट सुनो, सीरीज एंड सीक्वेंस में यार सम ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स ऑन एपी, आप लोग एपी जीपी ऑलरेडी करके आए हो क्लास 10 में, मैं आईसीसी की बात कर रहा हूँ, आईसीसी 2019 के बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो यार तुम लोग करके आए हो, तुम लोग के लिए थोड़ा ईजी रहेगा। हालांकि सीबीएसई बोर्ड में जो लोग जो बच्चे हो उनके लिए थोड़ा टफ रहेगा क्योंकि वो लोग क्लास 10 में एपी जीपी नहीं किए थे, ठीक है, ये करो। इसके बाद यार प्रॉपर्टी ऑफ एपी एंड एरिथमेटिकल मीन, प्रॉपर्टी ऑफ एपी एंड एरिथमेटिकल मीन, ठीक है। इसके बाद यार ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन देख लो एक बार, मेरे ख्याल से आप देख पा रहे हो, इतना सा करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इससे भी इतना सा करना है, ठीक है। तीन एक चैप्टर तीन टॉपिक, ये दोनों हो गया। मैं बोल रहा हूं मैं आपको फर्स्ट एग्जाम लूंगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ऊपर, ज्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन दूंगा, आप सिर्फ चारों टॉपिक कंप्लीट करो, मैं चारों टॉपिक के ऊपर ही 10 क्वेश्चन में बना के दूंगा, आपको एक हफ्ता दूंगा सॉल्व करने के लिए, उसके बाद मैं उसका आंसर डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड अगर आप अच्छे से करते हो तो आपको भी मार्क्स बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा यार,
देख लेना, मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, देख लेना अच्छे से अगर करते हो ऑब्वियसली आपको मार्क्स अच्छा आएगा, ठीक है। नंबर थ्री यार प्रोबेबिलिटी, यार प्रोबेबिलिटी भी तुम क्लास 10 में करके आए हो, मैं आईसीएससी के स्टूडेंट को बात कर रहा हूँ, सीबीएसई वाले बच्चे भी है यार तुम लोग, मेरे तो यार सीबीएसई उतना अच्छे से मालूम नहीं, बट क्लास 11 एंड 12 दोनों का सेम ही है, आईएससी आईसीएससी सीबीएसई सबको सेम है, मतलब यार आईएससी और सीबीएसई और स्टेट बोर्ड ये तीनों सेम है, ठीक है। तो यार प्रोबेबिलिटी में तीन टॉपिक में दे रहा हूँ। नंबर वन यार फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री नोन एंटिटीज, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री नोन एंटिटीज, ये भी अच्छा है टॉपिक, इजी है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर कैसे कितना नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि यार इवेंट हो सकता है, ठीक है। नंबर टू, नंबर थ्री सुनो यार, एलजेब्रा ऑफ एन इवेंट ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है, ये भी थोड़ा देख लो, बुक से आपके पास आप देख सकते हो, खुद भी कर सकते हो, आज टीचर्स के साथ बात करो या फिर खुद भी कर सकते हो, ठीक है, ये तीनों हो गया। इसके बाद ये बहुत इजी चैप्टर, बहुत इजी बाइनोमियल, यार बाइनोमियल बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ यार इजी चैप्टर है, मैं खुद भी यार फुल मार्क्स आता था, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बाइनोमियल बहुत इजी चैप्टर है, जो लोग बाइनोमियल नहीं किया हो यार थोड़ा देख लो, बाइनोमियल आप कर पाओगे, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है, बाइनोमियल। इसके बाद यार परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको थोड़ा मालूम चल रहा है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन, अगर ये इतना नंबर ऑफ इवेंट्स होता है तो आप इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होगा, ठीक है। तो यार ये सुनो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ज्यादा नहीं, तीन टॉपिक्स, इधर से भी मैं तीन टॉपिक्स दे रहा हूँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। फर्स्ट सुनो, परमुटेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, नंबर टू परमुटेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, एंड नंबर थ्री प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशंस। तो यार ये सारे कुछ चीज है मेरे ख्याल से आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो यही सारे चीज है, मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दूंगा, इसके बाद मैं एक टेस्ट भी लूंगा आपको, सिर्फ यार ये सारे टॉपिक्स खत्म करने के लिए मैं आपको, यार देखो ये पहले यार ये तीनों टॉपिक्स खत्म करो, यार खत्म करो, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, कोई एवरेज स्टूडेंट कोई यार मैं ऐसा कोई नहीं, सबके लिए, आज तुम टॉपर हो सकते हो, आज तुम एवरेज हो सकते हो, क्या आईसीएस तक थे, अभी तुमको यार एवरेज नहीं बनना, अभी तुमको टॉपर बनना है, ठीक है, मतलब कि यार 85-90 के ऊपर जाना अगर लेना चाहते हो आईएएस में या फिर सीबीएसई में, तो करो, मैं जो बोल रहा हूँ करो, तुमको भी मिलेगा, ठीक है। तो यार ये एक टॉपिक, दो टॉपिक, तीन टॉपिक, ये तीन टॉपिक तीन हफ्ते में टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा नहीं यार, तीन टॉपिक तीन हफ्ते टाइम दे रहा हूँ, तीन हफ्ते के अंदर खत्म करो, मैं बोल रहा हूँ लिटरली, मैं बोल रहा हूँ खत्म करो, उसके बाद मैं आपको टेस्ट लूंगा, टेस्ट वगैरह सब कुछ होता रहेगा, बट यार ये तीन टॉपिक आपको ये बहुत ही जल्द खत्म करनी चाहिए, ठीक है। फिर तो वीडियो में इतना ही, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में जाकर बोलो कि कौन सा टॉपिक तुमको रहेगा या फिर कौन सा टॉपिक तुम स्टार्ट किया हो पहले, ठीक है, मैं उसके बाद मैं ट्राई करूंगा। अपने से बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे कि भाई फिजिक्स का एंड केमिस्ट्री का भी बोलो, मैं इंस्टाग्राम में मैं एक वीडियो बनाया था, मतलब मैंने आपको यार एक वीडियो बनाकर मैं पूछा था आपको सिर्फ कि तुम क्या या फिर कौन सी चैप्टर्स या कौन सी सब्जेक्ट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो, उधर से ज्यादातर लोग बोला था भाई मैं मैथ्स के ऊपर वीडियो देखना चाहता हूँ, एंड बहुत सारे बोला था फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो मैं इसके बाद यार मैं फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री किसी भी एक टॉपिक में इसके बाद लाऊंगा। तो मैथ्स खत्म करो, जिन लोगों का मैथ्स है मैथ्स खत्म करो भाई, मैं फिजिक्स भी कर दूंगा केमिस्ट्री भी कर दूंगा, मेरे पास इतना सारा नोट्स है यार, जेईई मेंस का नोट्स नहीं यार, क्वेश्चन पेपर है, एमसीक्यूज है फॉर क्लास 11, करना चाहते हो तो कर, अगर कर पाते हो तो मैं बहुत कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे मैं आईसीएसई में किया था तुम लोगों को, मैं आईएससी में भी कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल तो वीडियो में इतना, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जो जेई एस्पायरिंग है फिर आईआईटी एस्पायरिंग स्टूडेंट है, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आकाश टॉक्स।